अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवार रजा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमद व सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। जैसे आपका मेरा तारुफ, एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट का, एक जेम थेरेपिस्ट का, एक एस्ट्रोलॉजर का, परवरदिगार के फजल से ये तमाम चीज़ें मिली। और इस वक्त एज ए स्पिरिचुअल कंसल्टेंट आपको एक टिप बड़ी ज़बरदस्त, इस हफ्ते में ही जो है रब्बुल अव्वल के महीने का आगाज़ होने जा रहा है। ये बाबरकत महीना आपके लिए रहमतें और बरकतों के दरवाज़े जो है वो खोल रहा है। इस महीने में रहमतुल आलमीन का नज़ूल है और इसके साथ साथ हर साल की तरह, हर रोज़ की तरह रहमतों और बरकतों का नज़ूल है। लेकिन आपने अगर गौर किया हो तो जब शाहों के, बादशाहों के घर में जब खुशी आती थी, हमने वो पुरानी बादशाहों का दौर तो नहीं देखा लेकिन पुरानी वीडियोज़ में जो देखा, तो वो अपने ख़जानों के मुँह खोल देते थे और गरीब आवाम में बेतहाशा ख़जाने और अनाज, बहुत कुछ, पता नहीं क्या कुछ तकसीम किया जाता था। तो ये दुनिया में जो सरकार दो आलम की आमद है, तो यकीनन इस दुनिया के अफराद के लिए भी खुशहाली और रहमत और बरकतों का पैगाम लेके आएगा। इस हवाले से इंशाल्लाह दो चीज़ें आपकी खिदमत में हदिया करूँगा। एक वीडियो इंशाल्लाह रबीउल अव्वल की निस्बत से ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दूसरा, इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह रबीउल अव्वल से हम जो है अपनी ई कॉमर्स जो वेबसाइट है जेम स्टोन्स के हवाले से, उसके ऊपर प्रमोशन स्टार्ट करने लगे हैं रबीउल अव्वल की निस्बत से। और आप में से जो चाहे उसमें से अपने लिए चीज़ें सेलेक्ट कर सकता है। प्रमोशन है डिस्काउंट प्राइसेस के साथ और इंशाल्लाह आपको फ़ील होगा कि ये डिस्काउंट जो है वो चला है। जैसे कि हमारे एक अक्सर रुझान है कि वो सेल तो लगती है लेकिन वो सेल होती नहीं। कोई भी चीज़ आपकी वहाँ पे प्रमोशन पे हम जो है वो चेंज नहीं कर रहे, जो प्राइसेस पहले लगी हुई हैं उसी के ऊपर आप परचेज़ करेंगे लेकिन डिस्काउंट के साथ। इंशाल्लाह हम ना वहाँ से प्राइस टैग को चेंज कर रहे हैं, ना वो कार्ट के कुछ सेल का, इस तरह का कोई प्लान नहीं है। फ्लैट प्राइसेस वही रहेंगी, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ जब आप बाय करेंगे तो आपको जो रेट्स हैं, जो प्राइसेस हैं, वो डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आपको सैगिटेरियस वालों को इस वक्त मैं बताने जा रहा हूँ कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। सैगिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस। मैं जब भी ये चार्ट देख रहा हूँ आजकल में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि असेंडेंट का जुपिटर नेमत से कम नहीं, ये आपकी सोच को बहुत ही मुस्बत कर रहा है, पॉजिटिव जो है वो बना रहा है और बहुत सारी चीज़ों को आपके लिए आसान करता चला जा रहा है। इसके साथ साथ आपकी शख्सियत में एक पॉजिटिविटी, एक चेंज जो है वो पिछले महीनों से जो आना शुरू हुआ है, वो उसका सिलसिला इस हफ्ते भी जारी सारी रहेगा और परवरदिगार के फजल से आपकी पॉजिटिव जो थाट्स हैं, वो जो पॉजिटिव वेव्स आपकी बॉडी से, आपके इनर से निकल रही हैं, उसको बहुत सारे लोग महसूस करेंगे और इसको ऑनर भी करेंगे। आपकी माली पोजीशन इस हफ्ते भी बहुत ही अच्छी रहेगी और कोई प्रॉब्लम ऐसी नज़र नहीं आती जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि आपको किसी भी वजह से माली बहरान का शिकार होना पड़ सकता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है और परवरदिगार का फजल रहेगा। इसी तरह बहन भाई जिसो कारब के साथ और सोशल एक्टिविटीज़ में आपके तल्लुकात बेहतर होंगे, लोगों में आपको मेल मिलाप का इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और इस हफ्ते में मून जो है वो आपके असेंडेंट को भी टच करेगा। मून का असेंडेंट में आना, जुपिटर के साथ इसका कंजक्शन, और मेरा ख्याल है कि जब मून आपके असेंडेंट में होगा तभी नया चांद जो है वो तुलू होगा, तो आपके असेंडेंट में नए चांद रबी लेवल का तुलू होना आपके लिए इंतहाई सआदतों और बरकतों का इंशाल्लाह बाइस होगा। इससे आपके बहुत सारे ज़हनी जो मसाइल हैं, जो डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन की वजह से आप ज़हनी दबाव का शिकार थे, उसका भी इंशाल्लाह खात्मा हो जाएगा। नज़दीकी सफ़र, बेसिक एजुकेशन, बहन भाई जो कारब, समाजी तल्लुका, तमाम चीज़ें आपकी बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो चल रही हैं। चौथे घर का हाकिम सियारा भी यही सियारा मुश्तरी, तो खानगी माहौल को बेहतर कर रहा है, ख़ानदान के अफराद के साथ आपके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, आपकी इज़्ज़त तौकीर में इजाफा हो रहा है, सवारी और जगह की तब्दीली के लिए तमाम हफ्ता माहौल जो है वो आपको साजगार मिलेगा। पाँचवें घर का हाकिम सियारा बैतुल औलाद, ये बहुत अहम है, ये इसका हाकिम सियारा मरीख आपके जायचे के पाँचवें मौजूद है और वबाल में है। मरीख का वबाल
ना चाहते हुए भी ख्वाहिशात के अगेंस्ट आपके बच्चों के साथ जो है आपके इख्तलाफात जो है वो कुछ बिल्डअप कर सकते हैं। इसी तरह आपकी तयशुदा मंगनी भी ख़तरे से दो चार हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। आपके लव अफेयर्स आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं, इनको बड़ी एहतियात के साथ आपको लेके चलें। अपने हर उस काम में आपको परवरदिगार मदद करता है जो कि जायज़ और शरई होते हैं, इसको बात को मेरे को थोड़ा गौर कीजिएगा। लकी नामों में स्कीम में हिस्सा लेने वाले सेक्रेटेरियल फ्राद के लिए इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, इसलिए अपने रुपए और पैसे को अपनी एनर्जी को यहाँ पे ज़ाया करने से गुरेज़ कीजिएगा। स्केल 12 से 14 की जो एजुकेशन ले रहे हैं सेक्रेटेरियस बच्चे, उनको भी कदर नामुवाफिक हालात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। आप इस हवाले से 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका दीजिए और एक तस्बीह रोज़ाना या अलीमों की पढ़ना आपके लिए बहुत ही फ़वाद का हामिल होगा। सेक्रेटेरियस की प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं उनको अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ख्याल करना है, स्पेशली आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको प्रॉपर तरीके से चेक करवाना पड़ेगा ताकि आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से जो है महफूज रह सकें। आपके छठे घर का हाकिम सियारा जोहरा ये भी अभी हालत वबाल में आपके जायचे के बारे में मौजूद है, तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल कीजिए, स्पेशली अपने गले के सेक्शन का और अपनी बॉडी के जो पोशीदा पार्ट्स हैं उन पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा जॉब छोड़ने की गलती ना कीजिएगा, जॉब अगर आपने इस वक्त छोड़ी तो फिर आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। वीनस 2 नवंबर को आपके जायचे के बारहवें से निकल के आपके असेंडेंट में आ जाएगा। इसके असेंडेंट में आने से मामलात में कदरे बेहतरी आएगी, लेकिन कदरे टोटली हालात इससे बेहतर नहीं हो जाएंगे क्योंकि ये ताले में भी आएगा तो हजीज की हालत में आएगा, इस बात को जहन में रखिएगा। इसी तरह इस वक्त आपको अपने इस तमाम हफ्ता अपने मुलाजमीन के ऊपर जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है, ये दरपर्दा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, गो कि उसमें कामयाबी नहीं होगी लेकिन वो जैसे कहते हैं कि आपने बेशक जहर का इलाज किया हो, आप नहीं मरेंगे तरियाक किया हो, लेकिन कम अज़ कम ज़ुबान पर छाले तो निकलेंगे, तो कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट हो सकता है, इस पर फोकस कीजिएगा। अपनी सेहत अपनी जॉब और इस हालात से बेहतरी और इसमें से बेहतर तरीके से निकलने के लिए अगर आप कोई एफर्ट करना चाहते हैं तो 6 किलो या 600 ग्राम चीनी असबे मकदूर जुमे वाले दिन सदका देना आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपके अज़वाजी ताल्लुकात आपके मुश्तरका शराकती कारोबार ये चीज़ बहुत अहम होगी इस हफ्ते में, क्योंकि मरकरी जो कि आपके जायचे के बारे में मौजूद है और औज में था, यहाँ से कुछ आपको नेगेटिव वेव्स ऑलरेडी आ रही थी, अब इसकी रेट्रोग्रेशन गो के आपके होने खिलाफ होने वाली खुफिया साजिशों को जो है वो दबा देगा, लेकिन इसके बावजूद आपके शराकती अज़वाजी ताल्लुकात गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं और आपको बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होगी। आपको कुछ अफवाहों पे जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी सुनी सुनाई बात पे यकीन न करें, बिला तस्दीक किसी भी बात को पे यकीन करना आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। आपकी तयशुदा शादी जो है वो पेंडिंग हो सकती है 20 नवंबर तक, ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन है तो इस वक्त तक आपको बहुत ही एहतियात से काम लेना है। इसी तरह मरकरी की ये पोजीशन बता रही है कि आपके शरीक हयात की जो सेहत है वो भी मुतासर होने का इम्कान मौजूद है, तो इस पर आपको ख़ास तवज्जो देनी होगी। आपके 8वें घर का हाकिम सियारा कमर आपके जायचे के 12वें महबूत में जाएगा और ये 28 तारीख को जाएगा, इस तारीख को नोट कर लीजिए। आपको लाजमी होगा कि 2 किलो टूटा चावल आटा या दूध तीनों में से किसी चीज़ का भी सदका दे के इसके मनफी असरात को ब्रेक कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके साथ साथ आपके विरासती मामलात और आपके मुश्तरका माली मामलात भी इसी की वजह से मुतासर हो सकते हैं और खुदा न खास्ता आपको किसी मुश्तरका माली मामलात में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको माली खसारे का सामना करना पड़ सकता है। आपके बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से पोजीशन पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है और आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहें, चाहे आप वैसे अप्लाई करना चाहें या आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहें, दोनों हवाले से आपके लिए माफिक हालात इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। और सुसाली जुकारब और स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से वीज़ा वगैरह अप्लाई करना या आप ज़ियारत मुकद्दसा पे जाना चाहते हैं, उम्र के लिए कोई प्रोसेस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हालात आपके बेहतर होंगे, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स को लाजमी तौर पे 2 बार 3 बार चेक करने के बाद फिर सबमिट करवाइएगा,
क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ से कुछ मिसिंग या कुछ गलत जो है वो एंट्रीज की वजह से आपके सफ़र को रोक सकती है। आपके कैरियर रोजगार का हाकिम सियारा मरकरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छी पोजीशन में है, लेकिन 31 के बाद अच्छी पोजीशन में नहीं होगा। तो इस हफ्ते में आपके इब्तिदा में तो काम जो है वो बन जाएंगे इंशाल्लाह, जो आपने जारी प्रोजेक्ट थे उनको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा, हालात आपको बेहतर मिलेंगे, लेकिन 31 तारीख के बाद ग्रेजुअली आपके मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेंडिंग का शिकार होते चले जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये आपके काम रुकते हुए नज़र आते हैं। तो इस हफ्ते भरपूर कोशिश कीजिएगा कि आपके कैरियर रोज़गार से मुतल्लिका जो मामलात हैं वो फिलफुल हो जाएं, सीनियर के साथ ताल्लुकात बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह आपके वालिद और आपकी मदर लॉ के साथ ताल्लुकात भी 31 तारीख के बाद जो हैं थोड़े से मुतासर हो सकते हैं। कैरियर रोज़गार के हवाले से कोई तब्दीली तो उसके लिए भी 31 तारीख तक हालात बहुत बेहतर हैं, आप कोई भी स्टेप ले सकते हैं, लेकिन 31 तारीख के बाद ऐसा कोई भी स्टेप लेना आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। आपके जो 11वें घर में मरीख का वबाल है, तो मरीख के वबाल को जो है थोड़ा सा आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। ये आपकी खुशबख्ती की तनसीख का बायस जो है वो बन सकता है। दो सबाब से वाबस्ता तवक्कुआत जो हैं वो आपकी पूरी नहीं होंगी। आपको इस वक्त अपनी ख्वाहिशात को लिमिट्स में करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ख्वाहिशात की तकमील ना होने से आप डिसअपॉइंटेड होंगे और ये चीज़ आपके डिप्रेशन में इजाफे का बायस होगी। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इंसान ऐसे वक्त में जैसे एक कदम पीछे हो जाता है और अपनी ख्वाहिशात को जो है थोड़ा सा समेट लेता है। ये समेट लेना आपके लिए इस वक्त बड़ा ज़रूरी होगा। कुछ दिन मज़ीद, बल्कि कुछ हफ़्ते मज़ीद इस तरह के हैं कि आपको दो सब आपको जो है वो आजमाइश में नहीं डालना और ना ख़ुद किसी आजमाइश में डालना है। तवक्कुआत का शिकस्ता होना इंसान को बुरी तरह जो है वो मजरूह करता है, तो बेहतर होगा कि इस वक्त आप उनसे तवक्कुआत ही ना रखें। मजबूरी तौर पर अगर देखें तो ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है। इसको मज़ीद बेहतर आप मेरी रहनुमाई को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को कुछ शेड्यूल कर लें, कुछ मामलात को देख लें, जहाँ से मैंने आपको एहतियात की इंडिकेशन दी हैं वहाँ पे आप एहतियात से अगर चलेंगे तो यकीनन परवरदिगार आपके लिए आसानियाँ फराहम करेगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। आपके लिए अलग से एक वीडियो मैंने सरह सती के हवाले से अपलोड की है, उस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। सरह सती आपकी अब ख़त्म होने जा रही है और कब ख़त्म हो रही है और किस डेट को ख़त्म हो रही है और उसके बाद के हालात इंशाल्लाह आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। परवरदिगार आप सबको अपनी अमान में रखें। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।